हेलो आदाब। सोहराही का आप सबको आदाब, और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पहली तख्लीकात सुनी होंगी। आज मैं फिर कुछ तख्लीकात लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको आने वाले बरस की मुबारकबाद, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। इससे पहले कि मैं गज़ल पेश करूँ और एक दो शेर कहना चाहता हूँ, सुनिए। कदम कदम पे अंधेरों के जाल लहराएं, कदम कदम पे अंधेरों के जाल लहराएं, चलो तो रोशनी को साथ साथ लेके चलो, चलो तो रोशनी को साथ साथ लेके चलो। और एक शेर और है, एक उसी से है मोहब्बत का तकाजा राही, एक उसी से है मोहब्बत का तकाजा राही, बेवजह जिसने मेरे दिल से शरारत की है, बेवजह जिसने मेरे दिल से शरारत की है। लीजिए अब मैं आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश करता हूँ, उम्मीद की पसंद फरमाएंगे। सुनिए। जमी की दास्तां में आसमां का लिखना है, जमी की दास्तां में आसमां का लिखना है, धनक के रंग में कुछ कहकशां का लिखना है, धनक के रंग में कुछ कहकशां का लिखना है लिखना अब हमें कुछ सादगी की रंगत का, है लिखना अब हमें कुछ सादगी की रंगत का, उसी मासूम से सादा बयां का लिखना है, उसी मासूम से सादा बयां का लिखना है। न कह के कुछ भी वो सब भी बयां तो करती रही, न कह के कुछ भी तो वो सभी बयां तो करती रही, हमें अब खामोशी की दास्तां का लिखना है। देखिए कि वही मासूम सा चेहरा, वही सादा दिली उसकी, वही मासूम सा चेहरा, वही सादा दिली उसकी, उसी सादा दिली में नक्शे जहां का लिखना है, उसी सादा दिली में नक्शे जहाँ का लिखना है। शेर है कि जहाँ पे आज तक सर को झुका के जीते रहे, जहाँ पे आज तक सर को झुका के जीते रहे, उसी काफिर सनम के आस्तां का लिखना है, उसी काफिर सनम के आस्तां का लिखना है। वो जिसने तिनका तिनका आशियां का राख किया, वो जिसने तिनका तिनका आशियां का राख किया, उसी आतिश बयां बरके तपा का लिखना है, उसी आतिश बयां बरके तपा का लिखना है। अब इसमें मकता भी हो गया है, मैं राही राहों में जीना मुकद्दर है मेरा, मैं राही राहों में जीना मुकद्दर है मेरा, मगर अब मंजिले गुम बेनिशां का लिखना है, मगर अब मंजिले गुम बेनिशां का लिखना है, जमी की दास्तां में आसमां का लिखना है, धनक के रंग में कुछ कहकशां का लिखना है। शुक्रिया, उम्मीद कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।